If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing that is related to HCU entrance exam result. तो एच सी यू एंट्रेंस एग्जाम का पहले प्राइमरी आंसर की आ गया था, मतलब जो प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद फाइनल आंसर की आ गया, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने चैलेंज किया था कुछ क्वेश्चन का आंसर, मतलब ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस था जहां पर सबको आंसर का मार्क्स, मतलब मार्क्स दे दिया गया कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत था, ठीक है। तो ऐसे रिवाइज हुआ, फिर फाइनल आंसर की आया, और फाइनल आंसर के आने के बाद इतना सारा कमेंट आ रहा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, लिंक्डइन पे भी मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आंसर क्या आ गया, मेरा इतना मार्क्स आ गया। मैं एक पहले डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि कट ऑफ कितना होने वाला है उसके आसपास, मतलब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हो। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ प्रोबेबल थिंग्स, ओके, ये अच्छे से देखना, ठीक है, उसके साथ वेट करना कि क्या क्या करना है। तो जनरली 2020 था क्या, एंड मेरे टाइम में 2019 में क्या हुआ था कि एग्ज़ाम पहले होने के बाद प्राइमरी आंसर की आया था, फिर फाइनल आंसर की, जैसे इस साल भी आ रहा है, हर साल आता है। उसके बाद अराउंड 7 to 10 days के अंदर मेरिट लिस्ट आया था, ठीक है। तो इस साल भी अराउंड ये भी मान सकते हो कि 7 to 10 days के अंदर ही आएगा, अभी 3-4 दिन ही हुआ है फाइनल आंसर की आया, उसके बाद और भी 3-4 दिन वेट करो, उसके बाद आ जाएगा, नेक्स्ट वीक के अंदर कन्फर्म आ जाएगा। तो जो जो स्टूडेंट्स वेट कर रहा था, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि कब आएगा, मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, ये ऑफिशियल मतलब इन्फॉर्मेशन है, और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफिस को ही पता होता है, एचसीयू को ही पता होता है, तो उसको डायरेक्टली मेल कर सकते हो तुम बहुत जल्दी में हो तो, अदरवाइज वेट करो। जनरली क्या होता है, 7 to 10 days के अंदर आता है फाइनल आंसर के आने के बाद। तो जो जो स्टूडेंट्स का मार्क्स अबव 50 आया, ठीक है, अबव 50 जनरल कैटेगरी में, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओबीसी में अराउंड 45, ओके, जो जो एससी कैटेगरी का है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 35, एसटी के लिए अराउंड 30 or 25, ओबीसी के लिए अराउंड 48-50 के आसपास। तो ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ रेंज में जो जो स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में, मान सकते हो केमिस्ट्री में स्पेशली होगा, फिजिक्स में भी होगा, मैथमेटिक्स में भी होगा, तो अराउंड इसके आसपास ही होगा, कुछ 2-3 marks इधर उधर हो सकता है। तो जो जो स्टूडेंट्स का मार्क्स इसके आसपास आ रहा है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, 90% के आसपास, ठीक है। तो अभी वेट करो, अभी 3 दिन ही हुआ है फाइनल आंसर किया है, 3-4 दिन हुआ, उसके बाद और भी 3-4 दिन वेट करो, उसके अंदर आ जाएगा। एंड ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करो रेगुलरली, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, रिजल्ट आने के बाद मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल, सो वेट करो, और 3-4 दिन जनरली 7 to 10 days के अंदर आता है फाइनल आंसर के आने के बाद, तो थोड़ा दिन वेट कर लो और फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important informations and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.